हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए एक प्रो टिप के साथ। प्रो टिप अबाउट दिस टॉपिक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए कवर कैसे करना है। गाइज, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो डिफाइंड ज़रूर है, पर वो एक अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर्स से लिंक्ड आएंगे। तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आप लोग जो चीज़ें करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनको अच्छे से समझ पाओ और सवालों को सॉल्व कर पाओ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जितनी आपकी एनसीईआरटीज का बेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स से टच इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे यहाँ पर चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया टोकामक, है ना, वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। अब यहाँ पर अगर आपको फ्यूजन रिएक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा, जो कि आपके बेसिक से लिंक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो साइंस एंड टेक के अंदर जितनी एनसीईआरटीज आप लोगों को पढ़नी है, उतना ही मैटर आपको करंट अफेयर्स को देना है। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 को कैसे अप्रोच करें? देखो, अगर आपने अभी तक कोई भी करंट अफेयर नहीं किए हैं, तो आप पिछले साल के जो कंपाइलेशंस आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स करता हूँ, आप उनको देखो। ये समझो कि कौन कौन से साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, सबसे पहले आपको उन्हें करना है। और बहुत ही जो बेसिक नॉलेज जनरल साइंस की होनी चाहिए अप टू क्लास टेंथ, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मान लो नैनो टेक है, बायोटेक है, स्पेस टेक है, डिफेंस टेक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं, वो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन ओवर एडवांस नहीं आते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग वाले आते हैं। आई होप दिस टिप विल हेल्प यू आउट टू क्रैक योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021।